राम दाम दंड भेद में मंदिरा और बुलबुल निकल पड़े हैं विजय की तलाश में। विजय को ढूंढते ढूंढते सबसे पहले बुलबुल मंदिरा के साथ आई है मंदिरा के पापा के घर, जहां बड़ी आसानी से अपने घर में तलाशी का अनुमति देने पर बुलबुल को होता है मंदिरा के पापा पर शक। और वक्त रहते वो ये समझ जाती है कि ये सब मंदिरा के पापा की सोची समझी चाल है, और यही बात बुलबुल मंदिरा को समझाने की कोशिश भी करती है। रुकिए मंदिरा जी, मंदिरा जी आपके पिताजी हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं, और कुछ नहीं, विधायक जी इस घर में है ही नहीं। अगर विधायक जी इस घर में होते तो मुख्यमंत्री साहब कभी इतनी आसानी से हमें घर की तलाशी नहीं लेने देते, और ये तहखाने की चाबी भी नहीं देते। बुलबुल हमारी बात का यकीन करो, पापा ने विजय को हमारे घर में ही छुपा कर रखा। नहीं मंदिरा जी, आपके पिताजी जानबूझकर हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं ताकि हम 2 घंटे में विधायक जी तक ना पहुंच पाए, ये सब उनकी चाल है। लेकिन मंदिरा कहां किसी की बात इतनी आसानी से समझती है। वक्त कम है लेकिन मंदिरा को तो बस बहस करनी है। बुलबुल मंदिरा के सामने कुछ बातें रखती है जो सुनकर मंदिरा भी समझ जाती है कि हो सकता है यहाँ विजय ना हो। नहीं बुलबुल, तुम हमारी बात नहीं समझ रहे। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि पापा ने तहखाने वाले कमरे में ही विजय को बंद कर दिया। तुम चलो मैं रुकिए मंदिरा जी, सरा खुद ही सोचिए, मुख्यमंत्री साहब इतनी जल्दी डॉक्टर को लेकर घर आ गए क्योंकि उन्हें पता था कि हम आपकी कोख में जो हमारा बच्चा है उसे कभी नहीं गिराएंगे। मंदिरा जी हमारा यहाँ आना, यहाँ तलाशी लेना, ये सब जो भी हम कर रहे हैं ना, ये इन्होंने सोच रखा है। मंदिरा जी विधायक जी यहाँ नहीं है, और सबसे बड़ी बात वो पहली यादों की बात है, यादें तो घर में ही बनती हैं, और इस घर में विधायक जी की कौन सी यादें बनी है? कुछ भी नहीं। मंदिरा जी विधायक जी यहाँ हो ही नहीं सकते, विधायक जी को इन्होंने हमारे घर में ही कैद करके रखा है। वहीं दूसरी तरफ मंदिरा के पापा अपनी जीत का जश्न मनाने में लगे हुए हैं। शराब के नशे में विजय की फूल चढ़ी तस्वीर से बातें कर रहे हैं। मंदिरा के पापा का भ्रम तोड़ने के लिए विजय उनके सामने जाकर बैठ जाते हैं, और विजय को देख मंदिरा के पापा दंग रह जाते हैं। विजय भी अपने हाथों में बंदूक थाम कर मंदिरा के पापा के सामने खड़े हो जाते हैं, और मंदिरा के पापा हालातों पर यकीन नहीं कर पाते। चलिए बिना देर किए सीधा चलते हैं मंदिरा के पास और जानते हैं आज के पूरे सीन के बारे में। एक्चुअली बाबा ने ना सबको कंफ्यूज कर दिया है, वो हमारे घर पे आए और सबको बोले कि तुम लोगों के पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम है विजय को ढूंढने के लिए, तो ढूंढो, और कुछ पहेली देकर गए हैं। सो मैं ऐसा गेस कर रही हूँ कि वो मेरे घर पे है, बुलबुल का गेस है कि वो विजय के घर पे ही है, तो हम लोग पूरा घर भर छान मारते हमको कहीं नहीं मिलता, तो मैं बोलती हूँ कि हर जगह चेक करके देख लेना चाहिए, तो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी नहीं मिलता, तो वापस बुलबुल बोलती कि नहीं नहीं हमारे घर पे ही, हमारे पास अभी सिर्फ 30-40 मिनट बचे हैं विजय को बचाने के लिए, आई गेस उसके बाद कुछ बॉम्ब वॉम्ब फट जाएगा वहाँ पे जहाँ पर भी वो होगा, तो हम बस ढूंढ ही रहे। वैसे मंदिरा हालातों को देख कर तो यही लगता है कि आप और बुलबुल अब साथ आ गए हैं, क्यों, सही कहा ना हमने? हाँ काइंड ऑफ बोल सकते हैं ऐसे, बिकॉज उसका पति है, इसका प्यार है, तो वो ऑब्वियसली उसको ढूंढने के लिए दोनों साथ हो चुके हैं अभी, एंड आई होप विजय मिल जाएगा। उसको पता चलता है, लेकिन वो डॉक्टर को मतलब बुलबुल को जो दवाई देते हैं वो जहर वाली, वो एक्सचेंज कर लेती है, और हम लोग ऐसे पहले एक्टिंग करते हैं कि बच्चा गिर गया उनको यकीन दिलाने के लिए, लेकिन उनको पता चल जाता है कि इसका अबॉर्शन नहीं हुआ, सो इसीलिए सबको धमकी देकर चले जाते हैं। वेल, विजय के निशाने पर मंदिरा के पापा हैं, लेकिन उनकी इस गोली पर किसका नाम लिखा है, इसके लिए आपको करना होगा हमारी अगली अपडेट का वेट। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट, E24।